सनी देओल की फिल्म गदर तो आप सबने देखी होगी। इस फिल्म में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ कर पाकिस्तान में गदर मचाया तो हिंदुस्तान में खूब तालियां बजी थी। लेकिन अब वही सनी जब करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे तो लोगों के ललाट पर गुस्से की लकीरें बनने लगी। सनी ने पाकिस्तान में इमरान संग हंसी के ठट्ठे भी लगाए तो वहीं महबूब की तरह पाकिस्तानी रेंजर का हाथ भी थामा। सोशल मीडिया पर सनी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सनी के पाकिस्तान जाने से हिंदुस्तान कितना नाखुश है इसकी वानगी देखनी हो तो सोशल मीडिया का रुख कर लीजिए, जहां सनी पाजी को लेकर लोग खासे नाराज चल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि सनी देओल फिल्मों में तो बड़ा कहते थे कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन आज इमरान खान उनके सामने कश्मीर की बात कर रहे हैं और सनी चुपचाप सुन रहे हैं। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि ओह रुको, वो बीजेपी MLA हैं, उनके पास पाकिस्तानी रेंजर से हाथ मिलाने का कोई सही कारण रहा होगा। सनी देओल के पाकिस्तान जाने को लेकर कमेंट्स की ताबड़तोड़ बारिश के अलावा उनके कई मीम्स भी वायरल हैं। तो ये था देश का गुस्सा, लेकिन सनी देओल पाकिस्तान से लौटकर क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। सनी ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि यह एक महान अवसर था, मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी चीज़ें समान रहेगी और हम सभी प्यार से रहेंगे, ये शांति की शुरुआत भर है। लेकिन सनी पाजी, आप आखिर ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान करता कुछ है और कहता कुछ? आपसे पहले हिंदुस्तान ने उसे सैकड़ों मौके दिए होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार भारत के साथ विश्वासघात किया। आपको भी ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। टीम खबर अपडेट।